अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत डॉक्टर विपिन तांडा पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा के नेतृत्व में अजय प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक कुशल निर्देशन में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गजरौला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोहम्मदाबाद के जंगल में खाली पड़े मकान में अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए अभियुक्त हरपाल सिंह मनोज उर्फ टेड़ा को गिरफ्तार किया। अभियुक्त हरपाल एक शातिर किस्म का अवैध शस्त्र का निर्माण करने वाला है। वह निजी लाभ के लिए शस्त्र की बिक्री करता है तथा शातिर अपराधी है। यह पूर्व में भी इसी प्रकार के अपराधों में कई बार जेल जा चुका है। जेल से आने के बाद यह अपराधियों से मिलकर अवैध शस्त्रों का निर्माण कर अवैध शस्त्र को अपराधियों, बदमाशों, असामाजिक तत्वों को उनके डिमांड पर सप्लाई करता है। दूसरा अभियुक्त मनोज भी शातिर किस्म का अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्तों पर शस्त्र फैक्ट्री चोरी, वाहन चोरी, शस्त्र आदि की संगीन धाराओं में करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्तों के पास से कुल 24 अवैध शस्त्र व शस्त्र निर्माण करने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। जी, इसमें थाना गजरौला की पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण करते हुए फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें कि दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्त अवैध असलाह बनाते हुए पकड़े गए हैं और इनके पास से 17 निर्मित असलाह मिले हैं, जिसमें से कि 2 रिवॉल्वर हैं और 15 तमंचे हैं। इसके अलावा इनके पास 1 दर्जन से अधिक अवैध निर्मित तमंचे मिले हैं। साथ में जो तमंचा निर्माण का जो सामान है वो मिला है, जिसमें ड्रिल मशीन है, कंपनी है और अन्य सामान है। दोनों अपराधी पूर्व में जेल जा चुके हैं और इनमें से एक अपराधी पूर्व में इसी कार्य में लिप्त होते हुए पकड़ा गया था, जिसमें कि अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री के मामले में जेल गया था। दोनों ने पूछताछ में बताया कि ये दोनों बाहर जब आते हैं तो इसमें एक हरपाल जो है वो पूर्व में भी इसी कार्य में जेल गया है और इसको इस कार्य की जानकारी होने के नाते जैसे ही जेल से बाहर आता है तो आपराधिक तत्व हैं वो इससे संपर्क करते हैं और पुनः इससे असलाह बनाने की डिमांड करते हैं और पैसों के लालच में इसने ये काम शुरू किया, जिसमें कि अवैध रिवॉल्वर जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपये में बेचता है और जो तमंचा है वो 4 से 7 हज़ार रुपये में बिकता है। इसी के चलते ये कार्य कर रहे हैं। जी, थैंक यू।